स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के लिए आशा और उत्साह का माहौल बना हुआ है, वही हमारे जीत का कारण था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता के मन में भी यही था कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता जो कहता है वो जरूर करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के नेतृत्व नरेंद्र मोदी के प्रति और जनता के लिए काम करने वालों को आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उम्मीद यह भी की जा रही थी कि इस बार जो चेहरा मुख्यमंत्री का होगा वह एससी या फिर एसटी वर्ग का हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। इस पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि संगठन ने सबको समाहित करने का काम किया है। जहां ओबीसी वर्ग से मोहन यादव को लिया गया तो वहीं उप मुख्यमंत्रियों में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को शामिल करते हुए बैलेंस बनाया गया है। उसमें अनुसूचित जनजाति के विधायक को लिया गया है। सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ला को लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक जबलपुर में करीब 10 मिनट तक मीडिया से बात करते रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी तमाम योजना गिना दी, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे लाडली बहन योजना के विषय में कहा तो उन्होंने उससे कन्नी काट ली। शिवराज सिंह को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि किसको क्या दायित्व देना है यह केंद्रीय संगठन पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सालों तक प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, हो सकता है कि अब उन्हें संगठन और बड़ी जिम्मेदारी दे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलने वाला संगठन है और जिसमें हमारे जो ऊपर की हमारी टीम है, जो कोर टीम है, वो कोर टीम इस चीज़ को तय करती है। फिर उसके बाद प्रदेश में विधायक दलों के साथ में बैठ करके उसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो किसको क्या दायित्व दिया जाना है, अब ये हो सकता है कि कोई बहुत उससे भी कोई अच्छे कल्पना करके नेतृत्व में सोच के रखा हो तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि मतलब उन्होंने प्रदेश को आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को विकास की दौड़ को आगे ले जाने में, कृषि कर्मण पुरस्कार इतने बार दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी इन प्रतिभाओं का संगठन ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा जिसके परिणाम हमें प्रदेश अकेले में नहीं, हो सकता है कि देश में देखने के लिए मिलेंगे। आज वो बहुत दुखी दिखे, उन्होंने कहा कि अब मांगूंगा नहीं चाहे मर जाऊंगा। 2024 हमारे सामने है, उसके से 3 से 4 महीने बाकी बचे नेशनल इलेक्शंस के लिए। आपकी पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही थी, कौन सा रोड मैप लेकर आप आ रहे हैं और कौन सा वो पॉलिटिकल एजेंडा है जो जनता के सामने सर्व किया जाएगा? मैं यहाँ आज आ रहा था, आने के समय बिहार के एक सांसद हमको मिले और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात कही। ये 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इन चुनाव परिणामों ने केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति एक बहुत विश्वास का भाव जागृत किया है और बोले हम लोग बिहार में रह रहे हैं, हम लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो लोग जो है ना खुद उठकर के हम लोगों के पास आ रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम अगला जो चुनाव आने वाला है 2024 का, लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 2024 के चुनाव में, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इतना कुछ मोदी जी ने किया है कि विपक्ष आज शक्ति में आ गया है, विपक्ष सदमे में आ गया है, विपक्ष को सूझ नहीं रहा है। वो जो गठबंधन बनाया, गठबंधन जो है ना रोज रोज उसमें जो आपस में जो है ना वो बिखराव हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन की क्षमता है, शासन की योजनाओं को केवल योजना ही नहीं बनाएंगे। पहले तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, फिर 5 साल बाद चुनाव आता था तो फिर गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन किसी गरीब की गरीबी दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जाता था। वो ईमानदारी से प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, किए जा रहे हैं और इसी के कारण से अब तो हम केवल देश अकेले की बात नहीं कर रहे, अब तो भारत
विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है, विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, चाहे शिक्षा की बात हो, नई शिक्षा नीति की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, यही तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि हमें हर क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाते हुए, और जब ये गौरवशाली स्थान मिलता है तो ये किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये पूरे देश को मिलता है। हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है कि जो सम्मान मिला, ये जो सम्मान हर भारतवासी को मिला, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं और उनको जो सम्मान मिलता है तो हर भारतवासी को क्या मिलता है। जब अभी G20 का कार्यक्रम हुआ और वहां पर इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।